ओके, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर जिसमें हम आज बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, एक ही प्रिंसिपल बाकी था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो कंजर्वेटिव फोर्स तो क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, इसको थोड़ा हम एनालाइज करते हैं। ओके, सो कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करने के लिए बहुत बुक में बहुत तरीका का डेफिनेशन लिखा है, तो हम एक एक पॉइंट को अच्छे से एकदम क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसका जो फर्स्ट डेफिनेशन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू। सो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू इज सेम फॉर ऑल पॉसिबल पाथ। तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। सो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट वन टू पॉइंट टू इज सेम फॉर ऑल पॉसिबल पाथ बिटवीन पॉइंट्स। उसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट दिया है, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है वन और एक पॉइंट है टू, तो पॉइंट वन से पॉइंट टू को एक पार्टिकल को आपको डिस्प्लेस करना है फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू, तो व्हाट आर द पॉसिबल पाथ। तो आपको पता है ये एक पॉसिबल पाथ हो सकता है। सो देयर आर मेनी पॉसिबल पाथ, इन्फिनिट नंबर ऑफ पाथ आर पॉसिबल फ्रॉम वन टू टू। ओके, आपको एक क्वेश्चन मिला कि पार्टिकल है, उसको डिस्प्लेस करना है कहाँ से कहाँ, पॉइंट वन से पॉइंट टू डिस्प्लेस करना है, बट पाथ इज योर ओन चॉइस। ओके, सो आप कौन से पाथ फॉलो करोगे टू डिस्प्लेस द पार्टिकल, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो आप ये पाथ ले सकते हो, आप ये पाथ भी ले सकते हो, मतलब ये तीन पाथ आ गए, एक पी, ये क्यू और ये आर। तो तीन पॉसिबल पाथ है, पी क्यू आर, थ्री पॉसिबल पाथ। ओके, मैंने यहाँ पर थ्री बनाया है, आप जितना चाहो बना सकते हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा फॉर पाथ पी, ओके, इक्वल टू होगा वर्क डन फॉर पाथ क्यू, इक्वल टू होगा फॉर वर्क डन फॉर पाथ आर। मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स है जो वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू अगर आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे इज सेम, वर्क डन विल बी सेम फॉर ऑल द पॉसिबल पाथ। सेम मतलब यहाँ पर जितना वैल्यू, यहाँ पर उतना वैल्यू और यहाँ पर भी उतना ही वैल्यू, मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। पाथ के ऊपर डिपेंड करता तो अलग अलग आ सकता, पर यहाँ पर पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो वर्क डन जो है वो हर एक पॉसिबल पाथ के लिए सेम रहेगा। सो ये है आपका पहला डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, वेरी नाइस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप ले सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का फ्रिक्शन फोर्स, ओके, सो वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, पाथ के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ, बट यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कहा या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कहा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर ले मतलब हर एक पॉसिबल पाथ में, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं मतलब हर एक पॉसिबल पाथ में वर्क डन विल बी सेम। ओके, पाथ के ऊपर बिल्कुल ही डिपेंड, पाथ पी, पाथ क्यू, पाथ आर, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, मतलब वर्क डन फॉर ऑल पॉसिबल पाथ विल बी सेम। ओके, सेकेंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो, सेकेंड डेफिनेशन द
इफ द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ then it is known as कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, वही एक ही चीज़ है. अगर आपका जो फोर्स है वो पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. जैसे कि मैंने जब वर्क की बात कहा तो वर्क इन ऑल पॉसिबल पाथ विल बी सेम. अगर वर्क इन ऑल पॉसिबल पाथ सेम है, वर्क डन पाथ P में जितना है, Q में जितना है, R में उतना है, मतलब ये जो फोर्स होगा F डॉट डी आर वैक्टर, ये P में जितना इसका वैल्यू आएगा, वर्क डन सेम है. ओके, वर्क डन तो सेम है, तो वर्क डन अगर सेम है तो ये जो फोर्स होगा P में वो हो जाएगा फोर्स इन Q, एंड वही होगा फोर्स फॉर R. ठीक है, एंड वही होगा फोर्स फॉर आर. ठीक है, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ मीन्स फोर्स इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. ओके, सो वर्क डन इन ऑल पॉसिबल पाथ विल बी सेम. पी में जितना वैल्यू, क्यू में उतना वैल्यू, आर में उतना वैल्यू. अगर वर्क डन इज सेम तो फोर्स इन ऑल द पॉसिबल पाथ विल बी सेम. पी में जितना, क्यू में जितना, आर में भी उतना. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया. इंटीग्रेशन का लिमिट 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, ये चीज को नहीं भूलना है. ओके, इस चीज को एकदम दिमाग में स्टोर करना है, एकदम स्टोर. ओके, तो कोई एक दो पॉसिबल पाथ हम चूज करते हैं. देखो, कोई एक दो पॉसिबल पाथ. ओके, इस चीज को मैं यहां पर रब कर रहा हूं क्योंकि अभी इसका नेसेसिटी नहीं है. अभी इस दो पाथ को लेकर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, पाथ पी, पाथ क्यू. ओके, तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं. ये पॉइंट वन, ये पॉइंट टू, और ये आपका बन गया पाथ पी. ओके, और ये बन गया आपका पाथ क्यू, और ये वाला आपका बन गया पाथ आर. ओके, सो पाथ पी पाथ क्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. ओके, सो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 से लेकर 2 फोर्स इन पाथ पी डॉट डी आर वैक्टर माइनस. माइनस लिखोगे, अगर माइनस लिखोगे तो क्या होगा, अगर माइनस लिखोगे तो ये हो जाएगा फोर्स इन पाथ पी, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 फोर्स फॉर पाथ क्यू डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0. ये तो समझ में आ रहा है, ये तो बहुत ही ईजी है. बस मैंने क्या किया, इस साइड को, ये वाला जो टर्म है मैंने इस साइड को ले आया, तो माइनस हो जाएगा, ये तो आपको पता है. तो अगर मैं इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज कर दूँ, ये 1 से 2 है, अगर मैं 2 से 1 कर लूँगा तो एक माइनस यहाँ पर चला आएगा. ओके, ये मैथमेटिक्स का प्रॉपर्टी है. सो 1 से लेकर 2 फोर्स फॉर पाथ पी डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा. अगर प्लस हो रहा है मतलब इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब जो लोअर है वो हायर हो जा रहा है और जो हायर है वो लोअर हो जाएगा. मतलब ये हो जाएगा 2 से लेकर 1. ओके, इंटीग्रेशन का लो लिमिट चेंज हो गया, एफ डॉट डी आर वैक्टर फॉर पाथ क्यू इक्वल टू 0. ओके, तो इस वाले स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान दो. ओके, सो वर्क डन फॉर पाथ पी एंड फॉर पाथ क्यू, तो कहाँ से कहाँ हो रहा है. देखिए, एक तो हो रहा है 1 से 2, ये वाला पाथ फॉर पी पाथ जो वर्क डन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ, 1 से 2 हो रहा है. ठीक है, और फॉर पाथ क्यू जो कि ये वाला पाथ है आपके पास, ये वाला पाथ है, और इस केस में जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है 2 से 1. सो 2 से 1 हो रहा है, 2 से 1 हो जाएगा, मतलब ये एक क्लोज लूप फॉर्मेशन कर रहा है. ओके, क्लोज लूप. और एक बार डायग्राम करके दिखाता हूँ. 1 से 2, सो वर्क डन फॉर पाथ पी इज फ्रॉम 1 to 2. सो वर्क डन फॉर पाथ क्यू इज फ्रॉम 2 to 1. ओके, मतलब दिस इज ए क्लोज लूप. अगर क्लोज लूप होगा तो इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन सिंबल क्लोज लूप के लिए, ये एक मतलब सर्कल जैसा बनाते हैं, तो इसको लिखते हैं एफ डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू 0.
सो वर्क डन फॉर क्लोज लूप या क्लोज पाथ क्या होगा, जीरो हो जाएगा. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो. इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. तीन डेफिनेशन, ये थर्ड डेफिनेशन है. एक तो फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, हर एक पाथ में सेम वैल्यू आएगा. और एक डेफिनेशन है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, ओके, क्योंकि पाथ पी के लिए जो वर्क डन है, पाथ क्यू के लिए वो वर्क डन है, अगर हम उसको एक साइड में ले आए तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम वन टू टू, ओके, एफ पी डॉट डी आर प्लस टू से वन एफ क्यू डॉट डी आर. मतलब वर्क डन जो है फ्रॉम फॉर पाथ पी फ्रॉम वन टू टू, ओके, फिर उसके बाद वर्क डन है फॉर पाथ क्यू फ्रॉम टू टू वन, टू टू वन इज कितना, जीरो. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया. तो दिस इज ए क्लोज पाथ, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड पाथ, ओके, क्लियर एकदम. क्लोज पाथ क्या है, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो. तो इसको थोड़ा रब करते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं. तो थर्ड डेफिनेशन हो गया. तो थर्ड डेफिनेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. सो सी एफ का मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो. इस चीज को दिमाग में रखना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, ओके. फोर्थ डेफिनेशन के लिए क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम. वेक्टर कैलकुलस अगर आपने पढ़ा होगा, वेक्टर कैलकुलस नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्विलिनर कोऑर्डिनेट सिस्टम. स्टोक्स थ्योरम ये कहता है एफ डॉट डी आर वेक्टर का अगर लाइन इंटीग्रेशन ले रहे हो ओवर ए क्लोज पाथ, ओके, ओवर ए क्लोज पाथ. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो का मतलब एफ डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ओके, समझ में आ रहा है. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर ए क्लोज पाथ, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर क्लोज्ड पाथ, ओके, क्लोज पाथ होगा तभी वन से टू, टू से वन, ओके. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर क्लोज्ड पाथ, ये है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर द क्लोज पाथ इज जीरो, ओके. फिर उसके बाद एफ डॉट डी आर वैक्टर को आप सरफेस इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हो, ये लाइन इंटीग्रेशन है, इसको आप सरफेस इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हो, वो होगा कॉल ऑफ एफ डबल इंटीग्रेशन, ओके, डॉट डी एस वैक्टर, ओके, क्लियर एकदम, ओके, वेरी नाइस. ये एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू दिस मच. तो ये इस इक्वेशन में, ये जो बॉक्स में जो है, मैं इसके जगह कॉल ऑफ एफ डॉट डी एस वैक्टर लिख सकता हूँ. तो ये बन जाएगा डबल इंटीग्रेशन कॉल ऑफ एफ डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू जीरो, ओके. इंटीग्रेशन पार्ट तो जीरो नहीं होगा, ये एल एच एस मस्ट बी इक्वल टू आर एच एस. सो आर एच एस आपके पास जीरो है, मतलब एल एच एस भी जीरो होना चाहिए. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन तो वैनिश नहीं करेगा, इंटीग्रेशन तो हो रहा है, क्योंकि एफ डॉट डी आर वैक्टर का इंटीग्रेशन ले रहे हो आप. इंटीग्रेशन मतलब फ्रॉम वन टू टू ले रहे हो एक बार, फिर उसके बाद टू से वन ले रहे हो, ओके. तो इंटीग्रेशन तो हो रहा है, कंपलसरली हो रहा है, वरना वर्क डन कैसे जीरो होगा. पहले इंटीग्रेशन आप कर रहे हो वन से टू, ओके, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हो फ्रॉम टू टू वन, फिर उसके बाद आपके पास वर्क डन आ रहा है जीरो, ओके. पहले इंटीग्रेशन कर रहे हो फ्रॉम वन टू टू, लिमिट लगाकर इंटीग्रेशन कर रहे हो फ्रॉम वन टू टू, फिर उसके बाद लिमिट लगाकर इंटीग्रेशन कर रहे हो फ्रॉम टू टू वन, फिर जाकर आपका वर्क डन कितना आ रहा है बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो आ रहा है. बट यहाँ पर इंटीग्रेशन पार्ट कैन नॉट बी जीरो, इंटीग्रेशन जीरो ही नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो रहा है फ्रॉम वन टू टू एंड टू से वन, ओके. सो जीरो कौन हो सकता है, जीरो होगा कॉल ऑफ एफ, तो कॉल ऑफ एफ शुड बी जीरो, ओके. अगर कॉल ऑफ एफ जीरो हो गया सो एफ इज कंजर्वेटिव. और एक टेक्निक, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निक टू चेक वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, ओके. सो कॉल ऑफ एफ अगर जीरो हो गया देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव, ओके, एफ इज कंजर्वेटिव. इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव देन कॉल ऑफ एफ मस्ट बी जीरो, ओके, समझ में आ रहा है. देन एफ इज कंजर्वेटिव, क्लियर एकदम क्लियर, एफ इज कंजर्वेटिव. सो ये था आपका कुछ बेसिक बातें. और एक चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पर, और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है
एंड हम लिखेंगे भी ओके, सिंस कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज जीरो सो एफ इज नोन एज कंजर्वेटिव. ओके वेरी नाइस. अगर आपने ये सब चीज़ नोट कर लिया है तो नेक्स्ट चीज़ जो हम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी वेक्टर कैलकुलस में आपने पढ़ा ही होगा, सी जी हमेशा कितना होता है ज़ीरो, डी सी हमेशा कितना होता है ज़ीरो. सी जी का मतलब है कॉल ऑफ ग्रेडियंट. सो कॉल ऑफ ग्रेडियंट इज ज़ीरो. ओके ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है. डी सी मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्व. डाइवर्जेंस ऑफ डी सी, डी सी मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्व इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके तो इसको थोड़ा यूज करते हैं. अभी आपने देखा जो कर्व ऑफ एफ है वो ज़ीरो हो गया. सो एफ तो एफ कॉल ऑफ एफ ज़ीरो है, मतलब एफ की जगह अगर इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करोगे सो यू कैन राइट एज एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड वी. ओके ये जो नेगेटिव आ रहा है ये क्यों आ रहा है? ओके ये नेगेटिव फिजिक्स की वजह से आ रहा है, ना कि मैथमेटिक्स की वजह से आ रहा है. मैं आपको एक और दो मिनट के बाद समझाऊंगा, बट बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम. ओके सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो पोटेंशियल आपके पास क्या है? पोटेंशियल इज ए स्केलर फंक्शन, बट आपको आंसर जो आ रहा है वो वेक्टर आ रहा है. तो ग्रेडियंट का काम यही है. ग्रेडियंट जब ऑपरेट करेगा किसी भी स्केलर फंक्शन के ऊपर तो वो वेक्टर बन जाएगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ग्रेडियंट है वेक्टर, वो ऑपरेट किया स्केलर फंक्शन के ऊपर, आपको आंसर मिला वेक्टर विच इज ए फोर्स. ओके सो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पोटेंशियल, सो गिवेन ए स्केलर पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, जिसकी वजह से आपने ग्रेडियंट ऑपरेटर को ऑपरेट किया, जिसकी वजह से आपको एक वेक्टर मिला जो कि है फोर्स. ओके सो आप यहाँ पर अभी जो रिवाइज्ड फॉर्मूला है वो लिख सकते हो, वर्क डन फ्रॉम वन टू टू, इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू टू कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, आप सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस ग्रेड वी, तो ये हो जाएगा वन से टू, वन से टू माइनस ग्रेड ऑफ वी डॉट डी आर वेक्टर. ओके माइनस ग्रेड ऑफ वी डॉट डी आर वेक्टर, अगर ये माइनस, देखिए वर्क डन फ्रॉम वन टू टू कितना था, फॉर्मूला कितना था, पहला फॉर्मूला वर्क डन फ्रॉम वन टू टू होगा एफ डॉट डी आर वेक्टर. ओके वर्क डन फ्रॉम वन टू टू एंड टू टू वन हो जाएगा जीरो. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर ए क्लोज पाथ विल बी जीरो. वन टू टू के लिए फॉर्मूला है एफ डॉट डी आर फ्रॉम वन टू टू इंटीग्रेशन लिमिट. सो ये हो गया माइनस ग्रेड वी डॉट डी आर. सो वर्क डन फ्रॉम वन टू टू नेगेटिव अगर आप ले आओगे तो ये हो जाएगा वन टू टू ग्रेड वी डॉट डी आर वेक्टर. तो इसका वैल्यू आपका कितना आएगा, ग्रेड वी डॉट डी आर वेक्टर आएगा डी वी बाय डी आर डॉट डी आर. ओके डी वी बाय डी आर डॉट डी आर ये कैसे आएगा आपको पता है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, जस्ट आपको बता दूंगा डी वी बाय डी आर डॉट डी आर. सो ये डी आर डी आर कट जाएगा, हट जाएगा. सो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम वन से लेकर टू, सो वन टू टू विच इज इक्वल टू माइनस वी, वी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी वन टू टू. ओके सो नाउ द इक्वेशन, नाउ जो फॉर्मूला आपका आ गया, डी वी का इंटीग्रेशन आप करोगे तो वो वी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा वन टू. ओके सो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ वी टू माइनस वी वन, जो कि आपका आंसर होगा वी वन माइनस वी टू. ओके वर्क डन फ्रॉम वन टू टू का फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला आ गया वी वन माइनस वी टू. सिर्फ मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, डी वी का इंटीग्रेशन करना है. डी वी का इंटीग्रेशन आपको पता है वी होगा फ्रॉम पाथ वन टू पाथ टू, तो लिमिट लगाना है वी टू माइनस वी वन हो जाएगा. क्लियर एकदम? तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला वी वन माइनस वी टू. ओके तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, यहाँ पर भी वही इंटरप्रिटेशन करेंगे. अगर पाथ वन का आपका पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी दिया है वी वन, पाथ टू का पोटेंशियल एनर्जी दिया है वी टू, आपको पूछा जाएगा बेटा वर्क डन निकालो फ्रॉम पाथ वन टू, सॉरी पाथ नहीं, पॉइंट वन टू पॉइंट टू. ओके अगर पॉइंट वन का पोटेंशियल दिया है वी वन, पॉइंट टू का दिया है वी टू, आपको क्वेश्चन में पूछा गया वर्क डन निकालो फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू इन डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल, सो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, वी वन माइनस वी टू करके निकाल दोगे. ओके
वी वन माइनस वी टू करके निकाल दोगे, और क्लोज पाथ होगा तो ये ऐसे जाएगा. ओके, दिस इज फॉर ए क्लोज पाथ. ओके, सो वी वन अगर वी टू आपको गिवन है, सो वर्क डन आप निकाल, एक तो पहला चीज टी वन टी टू अगर दिया है वर्क डन निकाल सकते हो फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू. वी वन वी टू अगर गिवन है तो वर्क डन निकाल सकते हो फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू. तो इसको थोड़ा हम एनालाइज करते हैं. ओके, तो ये दिस विल गिव द कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, तो अगर आपने ये सब सारी चीज़ को नोट कर लिया है तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, तो जल्दी जल्दी से हम ख़त्म करेंगे. ओके, सो वर्क डन फ्रॉम वन टू टू हो गया टी टू माइनस टी वन, और एक फॉर्मूला हो गया वी वन माइनस वी टू. सो हम थोड़ा इंटरचेंज करते हैं, ये हो जाएगा टी टू प्लस वी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस वी वन. ओके, तो यू कैन एनालाइज इट बेटर. ओके, टी टू प्लस वी टू क्या है, टी वन प्लस वी वन क्या है, ये है टोटल एनर्जी एट द पॉइंट टू, ये है टोटल एनर्जी एट द पॉइंट वन. तो यहाँ पर लिख सकते हो टोटल एनर्जी एट पॉइंट टू इज इक्वल टू कितना हो गया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट वन. सो जो टोटल एनर्जी है पॉइंट टू में वो किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट वन. सो दिस होल्ड द कंजर्वेशन प्रिंसिपल विच इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, टी प्लस वी. इस चीज़ को भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है. ओके, टी फॉर ई इज इक्वल टू टी फॉर टी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विच विल गिव टोटल एनर्जी. सो दिस इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट टू इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द पॉइंट वन. सो कंजर्वेशन प्रिंसिपल होल्ड गुड, मतलब जो टोटल एनर्जी ई है. ओके, टोटल एनर्जी ई है, वो आपको कुछ दिया है, एंड दैट इज़ द टोटल एनर्जी, दैट इज़ द इनिशियल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी मतलब मैं मान लूँ एनर्जी एट पॉइंट वन. ओके, वही आपका एनर्जी आएगा एट द पॉइंट टू, मतलब वही आएगा फाइनल एनर्जी. ओके, सो टोटल एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट. ओके, सो इट इज़ कंजर्व, इट इज़ कंजर्व. सो इट इज़ कंजर्व, इट इज़ कंजर्व. ओके, कंडीशन क्या होना चाहिए, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, कंजर्वेटिव फोर्स. सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स खुद आप इमेजिन कर सकते हो, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा. पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा मतलब जो वर्क डन है वो डिफरेंट पाथ में डिफरेंट वैल्यू आएगा, हर एक पॉसिबल पाथ में हर एक पॉसिबल वैल्यू लाएगा. बट इस केस में वर्क डन जो है डिफरेंट पाथ हो भी आंसर सेम आ रहा था, वहाँ पर डिफरेंट पाथ होगा तो आंसर अलग अलग आएगा. ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम अलग अलग आएगा. एंड इन दैट पर्टिकुलर केस द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. अगर वर्क डन हर एक पाथ में हर एक डिफरेंट पाथ में सेम